हेलो फ्रेंड्स, क्या दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं या फिर एक न्यू ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में एक न्यू ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आपके मोबाइल में एक ऐप होगा, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पे जीमेल नाम का, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये ऐप आ रहा है जीमेल नाम का, ठीक है। तो आपके क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल में एक ईमेल आईडी बनी होगी तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर साइड में आपके लिए कुछ इस तरह का फ़ोटो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में एक न्यू ईमेल आईडी पहले से बनी होगी, ठीक है। अगर नहीं बनी हुई है तो आपके लिए करना दोस्तों, तो आपके लिए मैं अभी बताता हूँ आपके लिए कौन सा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपके लिए अपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन देखने मिलेगा, ऐड अनदर अकाउंट, ये वाला, ठीक है, जैसे देख सकते हैं। तो आपके लिए इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके लिए ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अगर आपके मोबाइल में न्यू ईमेल आईडी पहले से नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए करना है, सबसे ऊपर गूगल का ऑप्शन आ रहा है तो आपके लिए इस पर क्लिक कर देना है। आप सब वही ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसके पास जीमेल आईडी बनी होगी उसे भी यही ऑप्शन देखने मिलेगा, नहीं बनी होगी उसे भी यही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए अपना जो स्क्रीन लॉक होगा पासवर्ड वो डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। तो अगर आपकी पहले से ईमेल आईडी है उसे आप खोलना चाहते हो तो आपके लिए इसमें डालना है, ठीक है। उसमें ईमेल आईडी डाल के अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप न्यू बनाना चाहते हो तो आप लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मिलेगा नीचे क्रिएट का, ये वाला, ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए दो ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे देख मिलेगा एक फॉर माय पर्सनल यूज, एक फॉर वर्क माय बिजनेस, ठीक है। तो आप लिए ना यहाँ पे इस ऊपर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए बनाना चाहते हैं या फिर पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लिए फर्स्ट नेम सर नेम का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिए फर्स्ट नेम अपना डाल देना है, ठीक है। जिस नाम से आप बनाना चाहते हो वो यहाँ पे एक बार डाल देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, हम अपना यूट्यूब का चैनल का नाम ही डाल देते हैं, इस नाम से बनाना चाहते हैं, ठीक है। सर नेम डाल दिया, उसके बाद आप लिए सिंपली करना है नेक्स्ट कर देना है। तो हमने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर डे डाल देना है, ठीक है, मंथ डाल देना है और यहाँ पर आपके लिए ईयर डाल देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद सिंपली आपके लिए नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नहीं करना है अभी, आप लीजिए एंटर पे क्लिक करके मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लिए सिंपली यहाँ नेक्स्ट कर देना है नीचे। तो हमने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आप लिए करना है दोस्तों, यहाँ कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो आप जिस तरह की मतलब ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं यहाँ पर सो हो जाएगी, पहले ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। अगर आप अपनी मनचाही बनाना चाहते हैं तो आप लिए क्रिएट योर ओपन जीमेल एड्रेस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप अपनी मनचाही बना सकते हैं, तो हम नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिए करना है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट का ही ऑप्शन आ रहा है नीचे, ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लिए नेक्स्ट कर देना है। तो हमने इस पे नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है पासवर्ड का, ठीक है। तो आप लिए करना है पासवर्ड बना लेना है, आप जो पासवर्ड बनाना चाहते हो वो आप अपनी ई मेल आई डी का पासवर्ड बना सकते हैं। जिसके बाद अगर आप आगे किसी फ़ोन में लॉगिन करोगे तो अपनी ई मेल आई डी डालोगे और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो हमें अपना पासवर्ड यहाँ बना लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया था, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है ऐड फोन नंबर, ठीक है। अगर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे एस आई एम इस ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे स्किप कर देते हैं और जो हमारी ईमेल आईडी होगी यहाँ बन के आ चुकी है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है यहाँ से, और आपके लिए क्विक क्या करना है दोस्तों, यहाँ फिर से नीचे आना है, आई एग्री कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है यहाँ से बन के रेडी हो रही है, तो आप लिए कुछ टाइम वेट कर लेना है, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के रेडी हो रही है, यहाँ पे गूगल सर्विस यहाँ पे ये मतलब लोड हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह से सिंपली अपनी एक ईमेल आईडी बना सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर हम इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे अब, तो अभी जो आपने ईमेल आईडी बनाई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ये वाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई आप लोग वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह मज़ेदार वीडियो इस चैनल में देखने के लिए मिलती रहती है, ठीक है। दोस्तों फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।